हेलो गाइस, दिस इज मृदुल और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। वेल, आप में से काफी लोगों को 20 और 21 की एज में बियर्ड इश्यूज होते हैं, जैसे कि पैचे बियर्ड और बियर्ड नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2-3 महीनों से मार्स बाय जीएससी के बियर्ड ग्रोथ किट यूज कर रहा हूं, जिसमें मेंस बियर्ड को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट्स का एक किट बनाया गया है। अगर हम हर एक किट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें 60 ml का माइनोक्सिडिल सीरम, एक डर्मा रोलर और 200 ml का बियर्ड शैम्पू है। अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करें तो बियर्ड ग्रोथ सीरम और शैम्पू का बहुत माइल्ड एंड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स अल्कोहल, SLS, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है। मुझे इनके सभी प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर आपकी एज 20 साल या उससे ऊपर है तो आपको अपने बियर्ड ग्रोथ या थोड़ी थिकनेस भी इंक्रीज करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये किट यूज करें। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में मार्स बाय जीएससी के बियर्ड ग्रोथ किट को ऑर्डर करो। मैंने पर्सनली उन लोगों से रिक्वेस्ट करके मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए किट के ऊपर और इंडिविजुअल माइनोक्सिडिल के ऊपर फ्लैट 40% डिस्काउंट ऑफर का लिंक ले लिया है और पूरी किट आपको मात्र 1000 के अंदर या 1100 तक में मिल जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि मार्स बाय जीएससी के इस बियर्ड किट को जरूर यूज करें। अब इसको यूज कैसे करना मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस बियर्ड ग्रोथ शैम्पू जो दिया गया है इसमें, उस बियर्ड शैम्पू से अपने बियर्ड वाले जगह को साफ कर लेना है शैम्पू से। फिर उसके बाद आपको डर्मा रोलर लेना है और डर्मा रोलर पे माइनोक्सिडिल लगा लेना है। आप माइनोक्सिडिल चाहे फेस पे भी लगा सकते हैं या डर्मा रोलर के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप उस डर्मा रोलर को बियर्ड वाली जगह पर आपको रोल करना है। ऐसे ही कुछ महीनों तक आप करेंगे तो आपके बियर्ड डेफिनेटली आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो जरूर पसंद आई है।